हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तूफान नागर, लेकर आ चुका हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें मैं सिखाने वाला हूँ आपको स्क्वायर को काउंट करना यानी वर्ग को गिनना सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। मैंने पिछली दो वीडियोज़ में आपको त्रिभुज को यानी ट्राइंगल को गिनना सिखाया है, काउंट करना सिखाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप आराम से दोनों वीडियो देख सकते हो ताकि आपका हर लेवल का कॉन्सेप्ट जो है बिल्ड हो सके। मैंने ट्रिक बताई है कि ट्रिक के जरिए से कैसे सॉल्व करोगे इसको ट्राइंगल को। अब आज मैं सिखाऊंगा आपको स्क्वायर एंड वर्ग को कैसे गिनोगे, इसकी दिखाऊंगा मैं आपको ट्रिक। बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो हर कॉन्सेप्ट आप तक पहुँच सके। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, जहाँ रीजनिंग आती हो, मैथ्स आती हो, मेरे चैनल को पर आप बने रह सकते हो। आप मैं कंटिन्यूसली इस पर रीजनिंग और मैथमेटिक्स की वीडियोज डालता रहता हूँ। अब देखो गाइस, सबसे पहले सिखाने वाला हूँ मैं आपको स्क्वायर को गिनना। स्क्वायर को कैसे गिनेंगे, देखो आपको पता है कि यहाँ पर जो फिगर्स आप चेक कर रहे हो इसमें वन और टू, और यहाँ पर भी अगर रो आप ये जो रो होती है और कॉलम को गिनते हो आप तो वन और टू बन रहे हैं। अब देखो ये कॉन्सेप्ट कब लगता है, जब रो इक्वल हो कॉलम के, तब ये कॉन्सेप्ट लगता है कॉलम के, यानी रो इक्वल टू कॉलम होनी चाहिए तब लगा दे। कॉन्सेप्ट क्या है देखो, समझने की बात क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कॉलम ही गिन लेना है। वन और टू है, यानी वन और टू है तो क्या करना है, वो जो वन और टू गिनती है उसको काउंटिंग है जिसको यहाँ लिख देना है और कर देना है इसका स्क्वायर। वन का स्क्वायर करोगे तो वन और टू का स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा, फोर। अब इनको आपस में ऐड कर लेना है फाइव, तो ये फिगर आपको कितनी वर्ग देगा, पाँच वर्ग देगा। कितने देगा, पाँच देगा। यानी ये आकृति जो आपके सामने दी हुई है ये आपको कितने वर्ग देगी, तो पांच वर्ग देगी। ट्रिक क्या है, आपको ये देखना है कि नीचे जो वर्ग आ रहे हैं उनको गिन लेना है और सिर्फ साइड वालों को गिन लेना है। अब कितना भी बड़ा फिगर दे दे, कितनी बड़ी आकृति दे दे, आप आराम से इस ट्रिक का यूज़ करके उन्हें गिन सकते हो, चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। देखिए गाइस, मैं इसको सिखाऊंगा आपको। ये देखो यहाँ पर अगर मैं काउंट करता हूँ तो वन टू और थ्री, और मैं इधर भी काउंट करता हूं तो वन ये है और टू और ये थ्री है, इसका मतलब रो बराबर कॉलम है। तो लगा देते हैं तीन फिगर है यहां पे। देखो वन का स्क्वायर कर दोगे जो कि वन होता है, टू का स्क्वायर कर दोगे जो कि फोर होता है, और थ्री का स्क्वायर कर दोगे जो कि आपका नाइन होता है। अब इन सबको गिन लोगे आप तो 14 आपका आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आकृति जो आपको दी हुई है ये आपको 14 फिगर देगी, चौदह वर्ग देगी यानी स्क्वायर देगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियरिटी आ रही होगी, और कुछ क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको क्लियरिटी आए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइस इस फिगर में जब देखते हैं तो हम नीचे वाली आकृति को पहले गिनते हैं, तो ये एक है, ये दो है, ये तीन है और ये चार है, इधर वन है और ये टू है, ये थ्री है एंड फोर है, यानी रो बराबर कॉलम आ रहा है। गाइस क्या आ रहा है, रो बराबर कॉलम आ रहा है, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। अब देखो अब क्या करोगे, वही रूल लगाओ जो मैंने सिखाया है। क्या सिखाया है, चार आकृति है तो इसका स्क्वायर लिखना शुरू कर दो। वन का स्क्वायर कितना होगा, वन होगा। टू का स्क्वायर कितना होगा, टू का स्क्वायर आपके पास फोर होगा। थ्री का स्क्वायर कितना होगा आपके पास, थ्री का स्क्वायर नाइन होगा। और फोर आकृति लास्ट है तो फोर का स्क्वायर कर दो 16। इन सबको आप ऐड कर दोगे तो बन जाएगा 5 प्लस 14 प्लस 16 आपका 30 बन चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आकृति जो आपके सामने जो दिया हुआ है, स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हुआ, फिगर आपके सामने दिया हुआ है, ये आपको कितने स्क्वायर इन कितने वर्ग देगा, ये आपको 30 वर्ग देगा। और एक और अब जो नया कॉन्सेप्ट मैं सिखाने वाला हूँ, अब वो मैं आपको सिखाना हूँ कि जहाँ पर रो और कॉलम बराबर नहीं हो, अरे नॉन सिमेट्रिक फिगर हो, उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं उसकी दिखाऊंगा ट्रिक। गाइस जैसा कि आप देख रहे हो तो यहां पर नीचे कितने फिगर हैं, वन। गाइस जैसा कि आप देख रहे हो तो नीचे कितने फिगर हैं, वन टू थ्री और फोर, ये कितना है, वन टू और थ्री। अब देखो यहां पर क्या दिक्कत है, यहां पर आर बराबर सी नहीं है, यानी रो बराबर कॉलम नहीं है। अब क्या करते हैं ऐसे केस में, लास्ट वाला जो फिगर है, लास्ट वाला जो ऑर्डर है और ये वाला ऑर्डर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इधर के से जो लास्ट है और उधर से जो लास्ट है, इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 × 4 हो जाएगा, 3 × 4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 12। अब क्या करोगे, ध्यान से सुनना, अब इनमें से जो ऑर्डर है इसमें से वन वन कम करते चलोगे, एक एक कम करते चलोगे, थ्री तक आई यहाँ पे, तो थ्री में से एक कम कर दोगे तो कितना बन जाएगा, 2 × 3। दोनों में से कम करोगे वन वन तो 2 × 3 बन जाएगा, तो बन गया 6। अब क्या करोगे, अब इसमें से और एक और कम कर दोगे तो 1 × 2 हो जाएगा, ये बन गया आपका 2।
तो इस तरीके से करते चलेंगे, रो या कॉलम में जब तक वन वन नहीं आता है तब तक आप मल्टीप्लाई करते चलोगे, कम करते करते करते। ये इसकी ट्रिक है। क्या करते हैं, लास्ट वाले नंबर को आपस के जो स्क्वायर होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आगे वाले में से एक एक कम करते चलते हैं, जब तक ये वन नहीं आता है आपके पास आपस में उनको मल्टीप्लाई करते रहो, और जब वन आ जाए तो लास्ट में उसको सोल्व करके आपस में ऐड कर लो। तो ऐड कर लोगे इन सबको आप, तो जब ऐड करोगे तो बन जाएगा 18, 20 बन जाएगा आपके पास, तो 20 आंसर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये फिगर आपके सामने दिया हुआ है, जो आकृति आपके सामने दी हुई है, ये आपको 20 स्क्वायर एंड 20 रूट देने, 20 स्क्वायर एंड 20 वर्ग देने वाली है। आई होप कि आपको क्लियरिटी आई होगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो गाइस जब हम इसको काउंट करते हैं तो नीचे आपके पास देखो गाइस, अगर गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, अरे नीचे जो इधर की साइड है कॉलम में वो 7 आ रहे हैं, और रो अगर काउंट करते हैं 1, 2, 3 और 4 इसकी लास्ट वाली रो और इधर की लास्ट वाला कॉलम आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, 7 इंटू 4 करोगे तो 28 आएगा। अब क्या करोगे, इसमें से एक कम करते चलोगे, दोनों में से एक कम करोगे तो ये बन जाएगा 6 इंटू 3, तो आपके पास अगेन बनेगा 18। फिर इनमें से और एक कम कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका 5 इंटू 2, तो आपका बन गया 10। फिर इनमें से एक कम कर दोगे तो ये बन जाएगा 4 इंटू 1, तो आपका बन जाएगा 4। मैंने क्या कहा था, जब तक कि रो या कॉलम दोनों में से वन वन नहीं, एक में से वन नहीं आता तब तक मल्टीप्लाई करोगे। अब इन सबको ऐड कर लो क्योंकि वन आ चुका है, सबको ऐड करोगे तो 16 आपके पास आंसर आएगा, 60 आंसर आएगा, 16 आंसर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये फिगर जो है आपको 16 वर्ग देगी, 15 स्क्वायर देगी। आई होप कि आपको क्लियरिटी आ रही होगी। अब मैं एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, जो कि इसी से रिलेटेड है। आधे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट उसमें पिछले वाले के लगेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पे अगर आप इस फिगर को देखते हो तो आपको ये पुराना वाला फिगर नहीं लग रहा, अगर आप ध्यान से देखते हो तो मैं आपको पुराना वाला फिगर याद दिलाता हूँ। ये फिगर याद करो जहाँ पर एक दूसरे को लाइन काट रही थी, है ना, यहाँ पर कितने स्क्वायर बनाए थे अपने, पहला ही क्वेश्चन था जो आज के वीडियो में मैंने बनाया था, पहला ही क्वेश्चन था, उसमें 5 फिगर बन रहे थे। कैसे गिने थे हमने, 1 और 2 और इधर से 2, ये 1 और 2, ऐसे गिन सकते हो 1 और 2 और ये 2। तो कैसे सिखाया था मैंने आपको, ये आपको 5 फिगर देता है, तरीका क्या था, मैंने कहा था इनका स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर करते थे, 2 का स्क्वायर करते थे, तो क्या वो स्ट्रक्चर वैसा नहीं बन रहा है, तो एक फिगर तो उसमें डायरेक्टली ये बन रहा है, तो 5 स्ट्रक्चर तो मुझे वो देंगे, ये वाला फिगर देगा। और मैंने क्या किया, इसको मिलाया ना, बस इसको मिलाया ही तो है, और क्या किया है, तो एक वर्ग ये बना, एक स्क्वायर स्क्वायर वर्ग ये बना, एक स्क्वायर ये बना, तो एक इसको गिन लेंगे तो 5 तो ऑलरेडी था, एक और गिन लिया आपने तो आपके पास आ गए 6, तो टोटल कितने फिगर देगा ये, 6 फिगर देगा। अब यहाँ से आपको चीज़ सीखनी है कि अगर ये प्लस वर्ग को काट रहा है, प्लस अगर बीच में से काट रहा है, तो ये आपको 5 फिगर देता है, ये आपको याद रखते चलना है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को मैं एक बड़ा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको, ताकि आपको क्लियरिटी आए कि उसमें जो बहुत सारे अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर होगा, अब उसे कैसे सोल्व करेंगे, ताकि आपको क्लियरिटी आएगी। बने रहिए मेरे साथ। कहीं इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखते हो आप, तो मैंने जो पिछले वाला दिखाया था आपको, ये उसी का पार्ट है। तो आगे शुरू करते हैं, आपको पता है कि स्क्वायर है और स्क्वायर को बीच में से प्लस का साइन काट रहा है, मतलब क्या होगा, ये स्क्वायर आपको 5 फिगर देगा, पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से ये आपको 5 देगा, ये भी आपको 5 देगा, और अंदर वाला भी आपको 5 देगा, तो टोटल सबको ऐड कर लोगे 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, तो 20 फिगर बनेंगे टोटल, यानी ये स्ट्रक्चर जो है, ये आकृति जो है, आपको 20 स्क्वायर या 20 वर्ग देगी। आई होप कि आपको क्लियरिटी आई होगी। अब आप इस बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं, आपके पास जो भी बुक है उसमें से क्वेश्चन लगाइए आप, वर्ग के स्क्वायर के आपसे बनेंगे। आई होप कि आपको क्लियरिटी आई होगी। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। हैव अ नाइस डे।